ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। सुशांत सिंह राजपूत का नया वीडियो सामने आया है। फिल्म धोनी के रिलीज के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में चारों बहनों के साथ सुशांत दिखाई दे रहे हैं। बहनों के साथ काफी खुश दिखे हैं सुशांत। बहनों ने कहा, मेरा भाई महेंद्र सिंह धोनी बन गया। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के एक्टिंग की दमदार तरीके से तारीफ हुई। और अब इस तस्वीर को देखिए, बहनों के साथ मस्ती भरे अंदाज में सुशांत सिंह राजपूत दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर है जब महेंद्र सिंह धोनी की जो बायोपिक थी, उस बायोपिक को जब रिलीज किया गया था तब की ये फिल्म है। इस बातचीत को सुनिए और बहनों के बीच भाई की मस्ती को आप देखिए और उसके बाद अंदाजा लगाइए क्या सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, लगातार पिछले कुछ दिनों में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जनवरी की तस्वीरें सामने आई जब सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहनों के साथ बर्थडे मनाने जा रहे थे, भगवान की पूजा करते हुए तस्वीर आई। बहनों के साथ मस्ती की कुछ तस्वीरें सामने आई जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तौर पर काफी मजबूत थे। एक और आप ये तस्वीर देखिए, बहनों के साथ मस्ती के मूड में और बहनें कह रही हैं, मेरा भाई तो धोनी बन गया। The Rajputs. Yes. Oh man. And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. Sorry, Vigar. Sorry, Vigar. We are so proud. No, we should cut a Dhoni figure. Oh, yeah. Not a sorry figure. Yeah. अरे सुशांत का है ये रहा. And we are so proud of him, right? How proud are we? अच्छा पता है हम proud. Movie के बाद हम लोग movie के बाद एक video record करेंगे. Very very proud. Very very proud. About telling कि how we feel about it. अच्छा ये तो पता है. तो ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को आप बार बार देखिए। इस तस्वीर को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लगातार इस बात को लेकर बयान जारी किए गए, इस बात को लेकर दावे किए गए रिया की ओर से भी कि सुशांत का उनके खुद परिवार से बेहतर संबंध नहीं था, परिवार में खटास थी, बहनों के बीच उतना प्रेम नहीं था। लेकिन ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि ये सारे दावे बेबुनियाद हैं। बहनों के बीच अपार प्रेम था, भाई बहनों के बीच में। जब धोनी की बायोपिक पर यह फिल्म रिलीज हुई तब की यह तस्वीर है और उस वक्त भाई बहन मस्ती के मूड में और बहनें कह रही हैं कि मेरा भाई तो धोनी बन गया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। सुशांत सुसाइड मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुशांत के परिवार को बदनाम कर रहा है फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट। सुचाहिता सेन गुप्ता के नाम से यह अकाउंट है। सुचाहिता सेन गुप्ता 78 नाम से इंस्टाग्राम पर यह अकाउंट मौजूद है। महेश भट्ट टीम के स्क्रिप्ट राइटर हैं सुचाहिता सेन गुप्ता, उनके नाम से यह प्रोफाइल है। अब इसे फेक कहा जा रहा है। रिया के वकील ने इंस्टाग्राम अकाउंट से संबंध होने से इनकार कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, दो बड़ी खबरें हैं। पहली आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा। लगातार इस बात को लेकर दावे किए गए कि सुशांत का उनकी बहनों और उनके परिवार के साथ बेहतर संबंध नहीं था, जो तस्वीर अब नई सामने आ गई है जब धोनी फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त की यह तस्वीर तमाम उन दावों को सब कटघरे में खड़ा करती है, इस बात की तस्दीक करती है कि अपार प्रेम था भाई बहनों के बीच में। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें पब्लिक डोमेन में सबके सामने हैं, जिनको देखकर ये सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक समीकरण कैसे थे, उनकी जो चार बहनें हैं उनसे उनके रिश्ते कैसे थे। पांचों भाई बहन खिलखिला के हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं उस फिल्म का जो कि सुशांत सिंह राजपूत को मिली थी। अच्छा प्रतिसाद मिला था दर्शकों का और उसके बाद से ही पांचों भाई बहन काफी खुश नजर आ रहे हैं और मेरा भाई धोनी बन गया, इस किस्म से किलकारियां सुनाई पड़ रही हैं बहनों की तरफ से। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि बहुत ही अच्छा पारिवारिक जीवन था उनका। खैर, ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पारिवारिक रिश्ते काफी अच्छे थे। मैं दूसरी खबर पर आता हूँ। जिस इंस्टाग्राम अकाउंट की बात हो रही है, इस सिलसिले में हमने अपनी पड़ताल की और हमने पाया कि रिया चक्रवर्ती और उनके वकील सतीश माने शिंदे ने इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल से खुद को डिसओन कर लिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस व्यक्ति को, जो सुचारिता सेन गुप्ता नाम के इस शख्स को हम बिल्कुल नहीं जानते, मुमकिन है कि ये एक फेक प्रोफाइल हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि इस प्रोफाइल में काफ़ी सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। ऐसा लगता है कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को बदनाम करने का, उनकी बहनों के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं। और एक पोस्ट में तो ये भी दिखने में आया है कि बहनें जो हैं वो जिम्मेदार ठहराई जा रही हैं
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए। तो कुल मिलाकर ये प्रोफाइल जो है वो ये आभास दिलाता है कि कोई ऐसा शख्स है जो एक कैंपेन चला रहा है ताकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को बदनाम किया जा सके। लेकिन इतना ज़रूर है कि सतीश माने शिंदे जो कि रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उन्होंने इस प्रोफाइल से और इस व्यक्ति से खुद को किनारा कर लिया, डिसोन कर लिया। ठीक है, चलिए विकास, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ डिसोन कर देने से उनकी बात तो सही साबित हो नहीं जाती, क्योंकि लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अब परिवार भी उन सबूतों को सामने रख रहा है, उन तस्वीरों को मजबूर है परिवार सामने रखने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए कि परिवार के बीच बेहतर बॉन्डिंग थी, सुशांत का किसी से कोई बैर नहीं था, परिवार के बीच में अपार प्रेम था, अपार स्नेह था, जैसा कि एक परिवार के अंदर होता है, जैसा कि भाई बहनों के बीच में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर जुड़ने के लिए। सॉरी फिगर।